Hello my dear students, assalamu alaikum and welcome to online classes. तो हमने क्या स्टार्ट किया था, नॉर्दर्न प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन, तो लेसन नंबर 3। तो सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया था, नॉर्दर्न प्लेन को स्टार्ट किया था। फिर नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, कौन सा रिवर है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। तो फिर हमने क्या स्टार्ट किया था, फिर हमने स्टार्ट किया था द कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में क्या होता है, कोस्टल प्लेन किसे कहते हैं। सो द कोस्टल प्लेन एक प्लेन लैंड होता है जो लाइस होता है अलोंग द कोस्ट। कोस्ट मीन्स समंदरी किनारा, जब भी साहिल, उसे हम उर्दू में साहिल भी कहते हैं। समंदरी किनारे पे जब भी कोई लैंड होता है, एक प्लेन लैंड, उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये डिवाइड होता है। सो कोस्टल प्लेन, अब देखो ये मैप देखो, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, कोस्टल प्लेन है जो वेस्ट की तरफ है, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेस। और जो हमारा ये ईस्ट में है, ईस्ट कोस्ट, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये दो कहाँ आके मीट करते हैं, कन्याकुमारी पे। तो इनका जो स्ट्रेचेस है, ये फैला हुआ है गुजरात से होके वेस्ट बंगाल तक। सो दिस आल अबाउट द कोस्टल प्लेन। तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है, किसके दरमियान है, वेस्टर्न घाट, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से एक पहाड़ है उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये गुजरात से होके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इनकी दरमियान और अरबियन सी के दरमियान, यहाँ से हमारा अरबियन सी आया और यह हमारा ईस्टर्न घाट आया, इनके दरमियान क्या है, एक प्लेन है, उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहता है। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो फैला हुआ है गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड होता है इनटू 2-3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले गुजरात कोस्ट, जो यहाँ है, जो हमारा गुजरात है, ये गुजरात कोस्टल प्लेन है ये वाला। तो उसके बाद कोंकण कोस्टल इन मिडिल, और ये हमारा आया कोंकण जो मिडिल में आते हैं, और मलबर कोस्ट टुवर्ड्स द साउथ। अब जो हमारा कोस्टल मलबर कोस्टल है वो किसकी आगे है, साउथ, टुवर्ड्स द साउथ। तो हमारा जो मलबर कोस्ट है वो क्या बनाते हैं, लेगून बनाते हैं। लेगून क्या होता है, जब भी जो हमारा सी है, समंदर है, उससे वाटर अलग हो जाता है एक लेक की शक्ल में, तो बीच में सैंड डिपॉजिट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, लेगून कहता है। तो हमारा जो मलबर कोस्ट है वो भी एक लेगून बनाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक टाइप्स होता है कोस्टल प्लेन का। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइस बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किसके दरमियान है, ईस्टर्न घाट, ये है, यहाँ से एक पहाड़ है, यहाँ से भी एक पहाड़ है, उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और यहाँ से एक पहाड़ है इसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस माउंटेन नहीं है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की तरफ, ये यहाँ से होके यहाँ घूम जाते हैं, फिर यहाँ से फिर ओपन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के दरमियान में एक प्लेन एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। जो हमारा ईस्टर्न घाट है, वो कहाँ से फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट से होके, जो वेस्ट बंगाल से होके तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ज़्यादा फैला हुआ है किसकी निस्बत में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन उतना फैला नहीं है, इतना वाइडर नहीं है, किसकी निस्बत में, हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की निस्बत में। इट डिवाइड इंटू थ्री टू पार्ट्स
जो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो तीन टाइप्स में था, तीन पार्ट्स में हिस्सा हुआ था, और जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट जिनको हम नॉर्दर्न पार्ट्स कहते हैं, जो नॉर्थ के साइड में है उसे हम नॉर्दर्न सिरकर कहते हैं। सिरकर एक कोस्टल प्लेन है जो नॉर्थ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पड़ते हैं, और जो हमारा सेकंड पार्ट से वो सदर्न पार्ट्स जो साउथ की तरफ पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। सो आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ, दिस इज़ आवर मैप। तो जो हमारा नॉर्थ की तरफ है तो ये हमारा आया सिरकर कोस्टल प्लेन, तो हमारा जो दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट जो साउथ की तरफ पड़ते हैं। तो दिस आल अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, इंशाल्लाह कल हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, आज आप ये लोग आप यही लिख दो, ठीक है। कोस्टल प्लेन हमारा टॉपिक स्टार्टिंग कंटिन्यूस चल रहा है और आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में थोड़ा लिखना है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल प्लेन है, वो कहाँ पड़ते हैं, ये किसके दरमियान पड़ते हैं, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के दरमियान। इनका जो स्ट्रेच, ये स्ट्रेच हुआ है, फैला हुआ है बंगाल से लेके तमिलनाडु तक। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक नॉर्दर्न पार्ट में, एक साउदर्न पार्ट्स में। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न सिरकर कहते हैं, जो साउदर्न पार्ट में है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल मिलते हैं और एक वीडियो लेके आपके सामने। हैव अ नाइस डे। तो कॉपी अच्छे से बना लेना। ओके, बाय बाय, सी यू।